मॉर्निंग नाउ टाइम इज 9:10 एम एंड दिस इज द डेट इज द 1 टुडे विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर 7 ऑफ क्लास 11 फिजिक्स is a system of particles and a rotational motion. And this chapter is very, very important chapter of the physics. Because a lot of concept includes in this chapter, which is very, very useful in our daily life. Our daily life mein jo ghatna ghatit hota hai, वो सारे चीज़ को हम लोग इस चैप्टर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत एप्लीकेबल है. साथ साथ ये तो डेली लाइफ के लिए है, अपने जीवन यापन के लिए एप्लीकेबल है इसके कॉन्सेप्ट. साथ साथ ये हम लोगों का प्रोफेशनल में भी काम देता है. इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन नीट में और जेई मेंस में रहेगा ही, दोनों निकल. एक तो कोई नहीं काट सकता, लेकिन 2 रहेगा, क्योंकि बहुत मेजर चैप्टर है. इसको जो बढ़िया से समझ के कर लेगा, 2 क्वेश्चन नीट का सॉल्व कर सकता है. फिजिक्स का 2 क्वेश्चन सॉल्व मतलब 8 नंबर आ सकता है. 8 नंबर मतलब 5000 रैंक से ऊपर उठा के 2000-1000 रैंक में ला देगा. इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दिस वन. तो हियर द चैप्टर इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो सबसे पहले हम देखेंगे ये पार्टिकल क्या है ना. क्वेश्चन मेरा जीता है पार्टिकल्स. ए सिस्टम है ना, सिस्टम किसको कहते हैं, सिस्टम किसको कहते हैं. एंड इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स. ये सारा टर्मिनोलॉजी जो है, तो पार्टिकल क्या है, किस चीज़ को सिस्टम कहेंगे, किस चीज़ को इंटरनल फोर्स कहेंगे, फोर्स कहेंगे, और ये छोटा छोटा टर्मोलॉजी है. और इस टर्मोलॉजी को जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना है. तो सबसे पहले पकड़ेंगे पार्टिकल क्या है. एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट है वो जो मास है ना, उस भुज मास इज फाइनाइट, भुज मास ये जो है फाइनाइट मास होगा उसका. बट साइज एन है, बट क्या है, फाइनेट होगा है, लेकिन इसका साइज साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर जो आंतरिक बनावट है, आंतरिक बनावट उसका साइज कैन बी नेगेटिव. पार्टिकल कुछ नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या होता है, फाइनाइट होता है, फाइनाइट, लेकिन उसका साइज जो है और उसका आंतरिक बनावट को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं. साइज एकदम छोटा हो सकता है, आँख से भी नहीं दिखे है ना, आँख से भी नहीं दिखे, तो ऐसा वाला को हम लोग पार्टिकल नाम देते हैं. दूसरा है सिस्टम. सिस्टम किसको कहेंगे, तो सिस्टम कुछ नहीं है, ये कलेक्शन है ना, ये कलेक्शन ऑफ
लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत से पार्टिकल का जब जमावड़ा हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। और पार्टिकल्स हैं विच, और ये पार्टिकल क्या है? इसके अंदर जो पार्टिकल रहेगा, मान लो ऐसा ही ले लेते हैं, ऐसा एक बॉडी होगी, इसके अंदर में बहुत सा पार्टिकल है, बहुत सा पार्टिकल है। या एक गिलास ले लेते हैं, एक गिलास में जो है यहाँ तक पानी भर दिए, पानी भर दिए, सिस्टम हो गया। एक सिलेंडर ले लेते हैं और सिलेंडर के अंदर जो है गैस भर दी, एक सिस्टम हुआ। जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, शायद केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई हो चुका होगा, तो उसमें जो है सिस्टम की बात करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल है, लार्ज नंबर ऑफ ये वाटर पार्टिकल है, और ये सॉलिड है। और इसमें जो पार्टिकल का कलेक्शन होगा, तो पार्टिकल तो इधर उधर भाग सकता है, तो पार्टिकल के अंदर भी ये पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेगा? म्यूचुअली इंटरैक्ट करेगा, इंटरैक्ट करेगा, एक दूसरे को पकड़े रहेगा, इसको पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा, इसको पकड़ के रखेगा और इसको पकड़ के रखेगा। द अदर पार्टिकल्स, ये कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, भूज भूज जिसका है ना, जिसमें क्या होगा, पार्टिकल्स क्या करेगा? म्यूचुअली इंटरैक्ट करेगा, म्यूचुअली म्यूचुअली इंटरैक्ट 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 इच ऑर्डर करेगा, इच ऑर्डर करेगा, एक दूसरे को इंटरैक्ट करेगा, तब ना पकड़ के रहेगा, तब ना उसमें रहेगा, नहीं तो पार्टिकल इधर उधर चले जाएगा, तो सिस्टम खत्म हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा। और एक दूसरे को पकड़ेगा, इसको हम लोग देखेंगे। और बॉडी और जो बॉडी बनेगा सिस्टम का, एंड द बॉडी विल हैव फाइनाइट शेप एंड साइज, फाइनाइट शेप एंड साइज का होना रहेगा। अगर ये म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं रहे, म्यूचुअल इंटरेक्शन अगर नहीं रहे, तो पार्टिकल इंसुलेट पकड़ के ले रहे, तो सिस्टम रहेगा नहीं, सिस्टम हो जाएगा विभाग। जैसे स्कूल है, स्कूल एक सिस्टम है, सिस्टम कैसे है? तो सिस्टम इसलिए है कि इसमें स्टूडेंट है, टीचर है, तो स्टूडेंट टीचर के बीच एक इंटरेक्शन होता है, हाँ? स्टूडेंट क्लासमेट में इंटरेक्शन होता है, सीनियर जूनियर में इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से इमोशनली जुटा हुआ है, ये मेरा भैया है, ये मेरा भाई है, ये मेरे सर है, ये मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, है ना? तो सब एक म्यूचुअल इंटरेक्शन है। तो यहाँ तो कौन सा फोर्स है, यहाँ इमोशनल फोर्स काम कर रहा है, तब ये सिस्टम स्कूल एक सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है। अब इसमें जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, इस फोर्स की बात करें, तो फोर्स में है इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स क्या है? अब हम लोग पार्टिकल से सिस्टम में आ गए, इंटरनल फोर्स मतलब ये कोई सिस्टम ले लिए, ये कोई बॉडी ले लिए, ये तो बहुत सारा पार्टिकल से बना हुआ है, बहुत सारा पार्टिकल से बना हुआ है। तो पार्टिकल हो गया P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, तो देयर इज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है, दिस इज द नेचुरल फोर्स। और यहाँ भी पार्टिकल इसको खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा, यह भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, यह भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, ये खींच रहा है इधर, ये खींच रहा है इधर, ये खींच रहा है इधर, इस तरह से जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये इंटरनल फोर्स क्या है? द म्यूचुअल फोर्स एग्जर्टेड बाय द पार्टिकल और ईच अदर, द म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल नाम दे दिया, म्यूचुअल फोर्स एग्जर्टेड बाय, एग्जर्ट या अप्लाई, एग्जर्टेड बाय
पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम है और ईच अदर, और ईच अदर इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स। यह इंटरनल फोर्स का काम क्या है? सिस्टम को होल्ड करना है ना, व्हिच व्हिच होल्ड द सिस्टम, व्हिच होल्ड्स द सिस्टम सिस्टम इन अ फाइनाइट शेप, फाइनाइट शेप में इसको रखने के लिए होल्डिंग फोर्स की तरह काम करता है। ये अंदर में है, इसको ये नेचुरली हम लोग लग रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो नेचर में कोई सिस्टम नहीं बचता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचता, सिर्फ जो है पॉइंट इधर उधर रहता है। ये बॉडी बॉडी को ऐसा नहीं कि ये फोर्स है तो बॉडी को मूव करा के यहाँ लेके चले जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। ये तो सिर्फ सिस्टम को होल्ड करने वाला फोर्स है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब जो है देखेंगे एक्सटर्नल फोर्स, विल सी द एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से लगने वाला फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स क्या है ना, ये फोर्स एट द आउटसाइड फोर्स, द आउटसाइड फोर्स, आउटसाइड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी या एक्टिंग ऑन आर सिस्टम आर बॉडी, बॉडी और क्या सिस्टम है ना, बाय एन अंदर वाला नहीं, बाय एन आउटसाइड, बाय एन एजेंसी, एजेंसी है ना, एक्सटर्नल एजेंसी का जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल एजेंसी से लगेगा। एक्सटर्नल से मतलब जैसे हम ही इसको बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, हम ही लगा रहे हैं, ये तो अंदर में फोर्स लग रहा है, हम यहाँ बाहर से धक्का मार रहे हैं, तो ये एजेंसी कौन हुआ? हम हुए, या कोई मशीन के जरिए फोर्स लगा रहे हैं, तो एजेंसी कौन हुआ? मशीन हुआ। तो एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा फोर्स लगेगा तो बॉडी में क्या होगा, ये एक जगह से कहाँ जाएगा? दूसरे जगह जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, बॉडी का वेलोसिटी को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज द, इट कैन चेंज द सच ए फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो आउटसाइड फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या है, विच कैन विच विच कैन चेंज 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 कर सकता है ना, चेंज इन द सेंस सपोज द बॉडी इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी एंड ए फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी मोशन, देन इट विल गेट स्लो डाउन। इफ बॉडी इज एट रेस्ट एंड एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड द बॉडी बॉडी विल कम इन मोशन है ना, इफ मोर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन से तो इसको हम लोग ये चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ला सकता है, इसको चेंज इन वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल एक्सेलरेशन। अब एक नया टर्मिनोलॉजी आया, द न्यू टर्मिनोलॉजी द सेंटर ऑफ मास, सेंटर सेंट्रल मास को हम लोग कहते हैं सीएम, मतलब चीफ मिनिस्टर भी होता है। सेंट्रल मास क्या है, सेंट्रल मास सपोज एक सिस्टम ले लीजिए, कोई किसी टाइप का ले लें, कोई भी शेप का, रेगुलर शेप का हो चाहे इरेगुलर शेप का हो, ये सिस्टम किससे बना होगा, ये सिस्टम जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से होगा। इस पार्टिकल का मास है ना, पार्टिकल का तो मास होता है, ये पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच हैज फाइनाइट मास, इसका मास रहेगा। तो ये हो गया एम टू एम थ्री एम फोर एंड सो ऑन, तो हर एक का अलग अलग मास है। इस सिस्टम के अंदर एक पॉइंट ऐसा कंसीडर कर लें, एक पॉइंट ऐसा कंसीडर कर लें कि सारे मास सपोज टू कंसंट्रेट किया, इसका नाम रख देंगे क्या, तो सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम का हो या बॉडी का हो,
इसी तरह जो है आगे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, है ना। तो उसमें जो है पॉइंट है इनसाइड ए बॉडी और आउटसाइड ए बॉडी, वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू एक्ट, सपोज टू एक्ट है या सपोज टू क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो सपोज यहाँ पर सारा मास है, ये वाला पॉइंट जो है पॉइंट बी होगा क्या, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अब देखो हम लोग कोई बॉडी लेते हैं, है ना, जैसे एक बॉडी ऐसा ले लेंगे, है ना। तो बॉडी क्या ले लेते हैं, सपोज एक हैमर ले लेते हैं, ये ठीक है हैमर, है ना। हैमर ऐसा होता है थोड़ा, ये हैमर है, ठीक है, इधर में हल्का है यहाँ मोटा है, तो सारा का सारा मास मान लो यहाँ है, ये इसका क्या हो गया, सीएम हो गया। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे सिंगिंग किस में, इसी में लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या होगा, एक पॉइंट पर लगाएंगे ये क्या होगा, सीधे चले जाएगा यहाँ, सीधे हो गया राइट, मतलब सेंटर ऑफ मास है। और अगर फोर्स लगा देंगे तो सेम है लगते जा रहा है, इसीलिए इसको लगने जाएगा, मतलब ये होगा कितना लीनियर एक्सेलरेशन, है ना। तो वेयर आ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की बात, एक्सटर्नल फोर्स फोर्स एक्स ऑन द सीएम, सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास, द बॉडी विल लीनियरली एक्सेलरेटेड, बॉडी विल हैव कैसा एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पर। लेकिन अगर वहां नहीं लगा करके सेंटर ऑफ मास पर लगा करके किसी एक पॉइंट पर लगाए, ए भी पॉइंट सब सारा मास है, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे फोर्स, तो बॉडी क्या होगा, ये रोटेट करेगा, है ना, बॉडी तो रोटेट करता है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, ये फोर्स एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल बॉडी क्या होगा, ये रोटेट होकर के ऐसा टाइप बन जाएगा, लाइक दिस विल कम, ठीक है, ऐसा टाइप बन जाएगा, ये बॉडी इसे घूमेगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास के अलावे किसी भी पार्टिकल पर, किसी भी पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे तो वह फोर्स क्या करेगा, इसमें रोटेशनल मोशन लगाएगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाएंगे तो कौन सा मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा। इन दिस केस बॉडी विल हैव व्हाट, एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन, ये मतलब क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, लीनियर एक्सेलरेशन इज एंगुलर एक्सेलरेशन इज व्हाट, अल्फा, है ना, अल्फा हो जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन मतलब हो जाएगा डीटी बटे डीटी, एंगुलर मतलब हो जाएगा डी ओमेगा ना डीटी, जो आगे हम देखेंगे, यानी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है। तो ये सारी चीज है, इसको हम लोग और डिटेल में करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो को एक्सटेंड कर सकते हैं, मैंने 19 मिनट हो रहा है, इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 4 मिनट मोर। तो नाउ लेट अस सी द व्हेन अ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ मास बॉडी, द बॉडी विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, मैंने इट विल हैव लीनियर एक्सेलरेशन, ये बात दिमाग में रखना। लेकिन सेंटर ऑफ मास के अलावे किसी भी पॉइंट पर अगर फोर्स लगाएं एक्सटर्नल, तो लीनियर मोशन नहीं होगा, उसमें एंगुलर मोशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो अगला टॉपिक जो है टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, वो तो एन नंबर ऑफ पार्टिकल है,
सेंटर ऑफ मास ऑफ आर टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो लेट अस वी हैव ए बॉडी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, एक पार्टिकल प्योर है जिसका मास कितना है m1 है, m1, एक दूसरा पार्टिकल है v2, इसका मास कितना है m2। ये सिस्टम है दो पार्टिकल है, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसको जानने के लिए एक रिफरेंस है क्वार्टिक सिस्टम की बात करेंगे। पोजिशन फैक्टर ऑफ दिस P1 फ्रॉम द ओरिजिन, सपोज कितना R1 है, एंड द पोजिशन फैक्टर ऑफ P2 फ्रॉम द ओरिजिन इज सपोज R2 है, एंड सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग P1 एंड P2 के बीच में होगा, सपोज दिस इज द पॉइंट, दिस इज कॉल्ड C1, यही पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, इसका पोजिशन फैक्टर जो है कितना है R है, कैपिटल R, Cm फैक्टर है, फॉर इसका जो पोजिशन फैक्टर है, इस पोजिशन फैक्टर को लिखा जा सकता है ना, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, द पोजिशन फैक्टर, द पोजिशन पोजिशन फैक्टर ऑफ अ सीएम ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम P1 और P2 हैविंग पोजिशन फैक्टर, पोजिशन फैक्टर R1 and R2 respectively from the origin, then this RCM can be written as position factor of the center of mass, तो लिख सकते हैं M1 mass इसका, position factor इसका, M1 R1 factor, प्लस करना है M2 R2 factor, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा M1 प्लस M2, मतलब ये दो के सिस्टम का जो है होल मास, सिस्टम का होल मास हो जाएगा, ये वाला कर लेंगे, तो इसको और लिख सकते हैं हम लोग आगे, इसको अलग करेंगे M1 प्लस कितना है M2 इंटू कितना है RCM बराबर हो जाएगा कितना है M1 R1 वेक्टर, प्लस कितना हो गया M2 R2 वेक्टर, देखो मास इंटू डिस्टेंस मतलब मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास